फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ और मैंने सोचा है क्यों ना अब ब्लॉगिंग शुरू करी जाए। तो मैं रहती हूँ जर्मनी में, जो कि कुछ टाइम के लिए जर्मनी आ रखी हूँ। वैसे मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ और मेरे को स्कॉलरशिप की वजह से यहाँ पे आने को मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से ब्लॉगिंग शुरू करी जाए। वैसे मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मेरे जाने का टाइम भी होने वाला है, पर मैंने सोचा जाने से पहले कुछ थोड़े से व्लॉग्स बनाने शुरू करती हूँ यहाँ के, ताकि थोड़ा सा जिसको आना हो या जिसको इंटरेस्ट हो यहाँ आने के लिए, तो उन्हें थोड़ा पता चल जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैं आज जाऊँगी मार्केट और मार्केट में 2 दिन पहले एक इयररिंग्स देखे थे, वो मुझे बहुत पसंद आए थे, और एक सिपर। तो ये 2 चीज़ें मुझे लेके आनी है मार्केट से। तो मैं जाऊंगी और आप लोगों को क्यों ना साथ में लेके चलूं मार्केट, और जब मैंने की सुपरमार्केट्स दिखाऊं कैसी होती हैं। एक जो सुपरमार्केट्स हैं वो बहुत क्यूट हैं। 2 फेमस मार्केट्स हैं यहाँ की, एक है टेडी, एक है वुलवर्थ, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में वहाँ पे सामान मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मार्केट। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ मिरर में। तो कुछ इस तरीके का है मेरा फुल लुक, और अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं कैसा मौसम है। आज का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बारिश भी नहीं है। देखते हैं नीचे जाके ठंड है या नहीं। मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है और ठंड भी नहीं हो रही है इतनी और बारिश भी नहीं हो रही है। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मार्केट। तो पहले हम जाएंगे इयररिंग्स लेने। तो आज ना यहाँ पे सैटरडे है, तो नॉर्मली सैटरडे संडे को यहाँ पे छुट्टी रहती है, लेकिन यहाँ पे बाहर इतना खाली है ना, कोई दिखता नहीं है, सड़कों में कोई नहीं है और मार्केट में भी सब ऑलमोस्ट खाली होता है। तो अभी हम शॉप में जाके देखते हैं लोग भी हैं या नहीं है, या मैं ही अकेली शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ तो सैटरडे संडे को सारे लोग बाहर ही होते हैं और इतना खुश होते हैं कि छुट्टी है, घूमो फिरो, यहाँ पे सब घर पे बैठे रहते हैं। मैंने जो फर्स्ट शॉप जाना है जिससे मैंने इयररिंग्स उठाने हैं, अभी तक तो यही सोचा है, अगर और कुछ पसंद नहीं आता तो पहले वहाँ जाती हूँ। तो वो आने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी दूर है और कहाँ है। वो जो सामने शॉप दिख रही है टेडी नाम से, तो उसके अंदर हमें जाना है। अंदर चलते हैं। शॉप के अंदर आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ कितना क्यूट क्यूट सामान। ये देखिए ये कितना क्यूट है ना, 5 यूरोस का है ये, बहुत क्यूट है ये। एक ये भी है, ये वाला एक ये भी है, ये भी बहुत क्यूट है, ये 2.55 यूरोस की है। ये टेंटन कितना प्यारा है ना, ये 8 यूरोस का है। जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था ना वो ये था, मुझे ये ज़रूर लेना है, मैं शायद ले भी लूँगी इसे। ये 6 यूरोस का है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। ये भी बहुत प्यारा है, मुझे ये भी लेने का मन। कितने प्यारे प्यारे है ना, ये देखिए बहुत क्यूट चीज़ें मिलती हैं यार यहाँ पे। और ये जो सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्शन लगता है मुझे। देखिए यहाँ पे एक से बढ़कर एक क्यूट चीज़ें हैं। अभी ये देखिए ये कितने क्यूट हार्ट्स हैं, ये पेपर वेट हैं या वैसे ही डेकोरेशन के लिए हैं, लेकिन ये ओनली 1 यूरो के यानी कि 90 रुपीज़ के हार्ट्स हैं, और यहाँ पे इतने प्यारे कलर अवेलेबल भी हैं। उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सोपीस, ये बेबी पिंक कलर का बहुत ही क्यूट है। और देखिए सारा का सारा इस सेक्शन भरा हुआ है, और ये वाला सेक्शन तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे ये हैंगिंग्स मिलती हैं और बहुत ही प्यारी हैंगिंग्स मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको लेके चलती हूँ जो इयररिंग्स के बाद जो मुझे बहुत पसंद है, तो उस सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं। अरे यार उस सेक्शन में जा भी पाऊंगी या नहीं, ये क्यूट चीज़ें तो मुझे पकड़ के रखी हैं। देखिए कितना क्यूट फ्लाइंग सपेगस के विंग्स भी हैं, और ये देखिए ये कितना प्यारा सा शूज़ है, और यहाँ पे माउस है, और पिक्स की तो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि पिग यार किसी को इतने अच्छे लगते होंगे, पर ये सब है यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं जहाँ पे मैं जो लेने आई थी इयररिंग, उसे लेने चलते हैं। ये आ गया है वो सेक्शन, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा है। मुझे लेना है वो यहीं कहीं होगा, ये नहीं था, हाँ इसके पीछे है।
ये है वो इयररिंग जो मुझे लेने थे, देखिए प्रिटी है ना, कि मुझे यहाँ पे क्या पड़ा मिल गया इसके साथ का, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे और कितनी ज़्यादा क्यूट चीज़ें हैं। तो इस सेक्शन की एक बारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लेंडर है इस शेप में और कुछ है इस शेप में और बहुत अलग अलग शेप्स में है। वाह, मुझे नेल पेंट भी मिली है। शॉप में तो जब भी आओ ना तो सारी इतनी क्यूट चीज़ें और इतनी अच्छी मिलती है ना, तो मेरे को तो जो चाहिए था वो मिल गया है। इसकी बिलिंग कराते हैं और चलते हैं दूसरी शॉप में। यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी क्यूट चीज़ों के बीच में और तुम फंस जाओ तो तुम्हें लेनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने अभी बहुत सारी शॉपिंग की है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये लूँगी, अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह, लेके चलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं ये, और चलो अभी सामने ही वो शॉप है वहाँ चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको सिपल लेती हूँ, वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स वो रही जो शॉप सामने जिसमें मुझे जाना है, और ये भी यहाँ की बहुत ही क्यूट सामान वाली शॉप होती है, तो यहाँ जाते हैं और सिपल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है और ये रहा वो सिपल, देखिए कितना क्यूट है ना, ले लिया। और मैं और भी चीज़ें यहाँ से शॉपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर देखती हूँ जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, बल्कि ये सिपल लेने आई थी। तो देखिए कितना प्यारा है ना, मैं घर पे जाके आपको दिखा दूँगी। और तो गाइस मैंने कर ली है अपनी सारी की सारी शॉपिंग, तो मैं आपको रूम पे जाके दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ दिखा ही दिया है, पर फिर भी अगर हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी। तो ये है वो सिपर जो मैं लेके आई थी। अभी इसके अंदर मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई थी जो मैं पी गई, और मैं भूल गई कि सिपर में डाल के पीती और आप लोगों को दिखाती। तो ये है वो सिपर जो इतना क्यूट लग रहा है, इसलिए मैं अगले दिन गई इसको लेने के लिए, और ये इतना ज़्यादा प्यारा है ना, तो मुझे लगा कि मैं लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।